उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सोचो अगर इस दुनिया में कलर्स नहीं होते, ये कलरफुल फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड बटरफ्लाइज नहीं होते तो ये वर्ल्ड कैसा दिखता? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, है ना? तो बच्चों, ये कलर्स हमारे आसपास की दुनिया को ही कलरफुल नहीं करते, बल्कि जब ये कलर्स एक साथ मिलते हैं तो ब्लू ब्लू स्काई को भी सतरंगी कर देते हैं। तो चलिए सुनते हैं कैसे ये कलर्स आपस में मिलकर स्काई को सतरंगी यानी 7 कलर्स का करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक विलेज में 7 बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे। उनके नाम थे हरी, लालू, पीलू, बैंगनी, जामुनी, नारंगी एंड नीलू। तो बच्चों, क्या नाम थे उन फ्रेंड्स के? यस, हरी, लालू, पीलू, बैंगनी, जामुनी, नारंगी एंड नीलू। छुट्टी का दिन था, मौसम भी सुहाना था। सातों फ्रेंड्स ने पहाड़ी यानी हिल्स पर घूमने का प्लान बनाया। सभी फ्रेंड्स की मदर्स ने उनके टिफिन्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स दिए और 7 फ्रेंड्स निकल पड़े हिल पर घूमने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उन सबको थकान लग गई और भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे। मैम, फिर क्या हुआ? तब सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अब हमें अपना लंच कर लेना चाहिए। सभी फ्रेंड्स एक साफ जगह पर मैट बिछाकर बैठ गए और उन्होंने अपने अपने टिफिन्स निकाले। सब एक्साइटेड थे कि उनकी मम्मी ने खाने में क्या क्या दिया होगा। सबसे पहले लालू ने अपना रेड कलर का टिफिन खोला। वाओ, माने तो ढेर सारे रेड रेड टमेटोस दिए हैं। फिर नारंगी की बारी आई। देखो तो, मेरी मम्मी ने मुझे टिफिन में क्या दिया है। वाओ, इतने सारे संतरे। यस, ऑरेंजेस, हम सब मिलके खाएंगे। तभी उछलकर पीलू भी अपना येलो टिफिन लेकर आया। मजा आ गया, मेरे पास तो किंग ऑफ फ्रूट्स है, फलों का राजा। समझ गए ना बच्चों, क्या था पीलू के टिफिन में? मैंगो। येलो येलो मैंगोज। अपना ग्रीन ग्रीन टिफिन खोलते हुए हरी बोला, मेरे टिफिन में तो राउंड राउंड ग्रीन ग्रीन पीज है। मटर तो मुझे बहुत पसंद है। नीलू भी कहां पीछे रहने वाला था। जरा सोचो तो, नीलू के पास किस कलर का टिफिन होगा? मैम नीला। मैम ब्लू। यस, वेरी गुड, ब्लू कलर का टिफिन था। नीलू ने जैसे ही अपना ब्लू कलर का टिफिन खोला, सब उस पर टूट पड़े। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ब्लू कलर की ढेर सारी कैंडीज थी।
मैम फिर क्या हुआ? अब टिफिन खोलने की जामुनी की बारी आई। उसके पास इंडिगो कलर का टिफिन था। जामुनी के पास किस कलर का टिफिन था? मैम इंडिगो। करेक्ट, इंडिगो कलर का टिफिन था। मेरे टिफिन में तो ढेर सारे जामुन हैं। जामुन का टेस्ट लेने के बाद अब सबकी नजर बैंगनी के वायलेट कलर के टिफिन पर थी। जैसे ही बैंगनी ने अपना टिफिन खोला, सब खुशी से उछल पड़े। गेस करो मेरे टिफिन में क्या है? हमें क्या पता? विंजल, हम सब मिलकर खाएंगे। इस तरह सभी फ्रेंड्स ने अपने अपने टिफिन्स एंजॉय किए और एक दूसरे से शेयर भी किया। सभी दोस्तों ने भर पेट खाना खाया और हिल पर चढ़ने लगे। हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि सूरज चाचा आए और तेजी से चमकने लगे। गर्मी के मारे सबका बुरा हाल हो गया। लालू से रेड कलर, नीलू से ब्लू कलर, पीलू से येलो कलर, जिसका नाम जिस कलर से मैच होता था उसी कलर का पसीना निकलने लगा। जैसे ही सातों फ्रेंड्स हिल टॉप पर पहुंचे, तभी अचानक जोरों से बरखा रानी बारिश लेकर आई और उनके सारे रंग तेजी से पानी में घुलने लगे। सारे फ्रेंड्स जोर जोर से रोने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हेल्प हेल्प। उनकी आवाज सुनकर बादल काका उनके पास पहुंचे और एक एक करके सातों रंग वाले दोस्तों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बरखा रानी को डांट कर कहा, बरखा रानी, बरखा रानी, तुम तो हो बड़ी सयानी, अब बारिश को बंद करो, बच्चों को ना तंग करो। बरखा ने बादल काका का कहना माना और तुरंत बरसना बंद कर दिया। और पता है फिर क्या हुआ बच्चों? मैम फिर क्या हुआ? बादल काका ने सातों रंग वाले फ्रेंड्स को स्काई में छोड़ दिया। सारे फ्रेंड्स सर्कल बनाकर खुशी खुशी खेलने लगे। एक साथ सभी कलर्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्काई में रंग बिरंगा बड़ा सा धनुष बन गया हो और सारे फ्रेंड्स उछल उछल कर गाने लगे। वायलेट इंडिगो ब्लू एंड ग्रीन, वायलेट इंडिगो ब्लू एंड ग्रीन, येलो ऑरेंज रेड इन अ रो, येलो ऑरेंज रेड इन अ रो, मेक अ ब्राइट एंड शाइनी रेनबो, मेक अ ब्राइट एंड शाइनी रेनबो, मेक अ ब्राइट एंड शाइनी रेनबो। इन सातों रंगों से इंद्रधनुष बना। इंद्रधनुष यानी रेनबो। तो बच्चों कैसी लगी आपको सेवन कलर्स के रेनबो की स्टोरी? बहुत अच्छी मैम।